हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक साहू और आप देख रहे हैं आर्ट फॉर आर्ट। तो आज हम एक बार और फिर पोर्ट्रेट बनाएंगे। इससे पहले भी हमने पोर्ट्रेट बनाया था बट वो मोनोक्रोमेटिक था, और आज हम जो बनाएंगे वो कलर्ड में बनाएंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम तरीका रहेगा, वही आसान से बताने की कोशिश करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला स्टेप होगा हमारा क्रिएट ए लाइन ड्राइंग। तो इसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स लाइन यूज़ करेंगे, और इसको मैं एक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको। पहले एक सर्कल लेंगे, फिर उसके बाद इनके पोर्ट्रेट में जो भी हमारे बॉक्सेस, जो भी हमारे स्कल्स होते हैं उसको देखेंगे पहले। उसके बाद इसकी आईज, नोज, लिप्स को फ्री हैंडली ड्रॉ करेंगे, ऑब्जर्व करते देखेंगे हम कहाँ आँख है, कहाँ नाक है, कहाँ नोज है। और ये तीनों चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं पोर्ट्रेट में। ये तीनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अपनी अपनी दूरी पे। इसी के हेल्प से हम एक पोर्ट्रेट को अच्छी तरीके से डिटेल में बना सकते हैं। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि क्या कौन सा कितने डिस्टेंस पर है, और साथ में मैं हल्का हल्का सा शेड भी दे रहा हूँ, जिससे वो भी एक ड्राइंग का ही पार्ट है, जिससे पता चलता है कि कितना चिक बोन आ रहा है, कितना उभरा हुआ है, कहाँ से उभरा हुआ है, कितना डेप्थ है, वो सब हमें इससे पता चलता है। तो हल्की हल्की बस शेडिंग देनी है फॉर इन्फॉर्मेशन, कि हमें पता चले कि हाँ यहाँ पर ऐसा पेंट होना है। बालों में भी बस थोड़ा थोड़ा डिटेल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए, मैं शेड इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो 3D सा लुक आए, वो चेहरे में उभार सा एक लुक आए, 3D सा फील आए। और ये हमें पेंटिंग में भी हेल्प करेगा जब हम कलर अप्लाई करेंगे इस पर। ऐसी बालों में शेड डाल देना है, सिंपल फ्लैट। इसी को धीरे धीरे हम और डिटेल में करते रहेंगे। हो गया। अब मैंने लेयर की ओपेसिटी कम कर दी है, जिससे मैं इसको एक बार और इसी लाइन ड्राइंग को मैं और फाइनलाइज़ कर रहा हूँ, ताकि और ज़्यादा हम अच्छे से रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो इसकी ओपेसिटी कम करके अब मैं फाइनल लाइन बना रहा हूँ। तो फटाफट इसको कर देते हैं फाइनल। सेकेंड हमारा पॉइंट होगा फिल बेस कलर एंड डेवलप लाइट सोर्स। तो बेस कलर पूरा मार के अच्छे से, और साथ ही लाइट सोर्स कहाँ आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसी के हिसाब से हम बेस कलर करेंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, नोज के पास एक लाइट सोर्स आ रही है, उसका डेप्थ आ रहा है, तो वहाँ डेप्थ दे रहा हूँ। फोरहेड पे इसका लाइट है तो लाइट दे रहा हूँ।
उस हिसाब से इसको लाइट टू डार्क करते हुए इसको बनाना है। तो ये हमारा होगा दूसरा पॉइंट। तो इसको फटाफट कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम बेस कलर करेंगे तो कोई भी चीज़ छुट्टी नहीं चाहिए, पूरा फिल करना है, अदरवाइज़ बाद में दिक्कत होता है डिटेलिंग में। तो ध्यान रखना होगा कि जब बेस कलर करेंगे तो पूरा फिल करना है। और हमारा थर्ड स्टेप होगा ब्लेंड। ब्लेंड में हम जितने भी हमने फ्लैट कलर किए थे, लाइट सोर्स दिया था, उसको हम करेंगे अच्छे से मर्ज, सो दैट ब्रश के स्ट्रोक ना दिखे। इसके लिए हम इसको ब्लेंड करेंगे उसी सेम ब्रश से, और ये जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं ये सेम प्रोसेस हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटली मैं बता रहा हूँ तो इसको मैन्युअली नहीं कर सकते हैं, इसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं और ऐसे ही करेंगे। बस उसमें अंतर ये होगा कि उसमें ब्रश होगा और यहाँ हम डिजिटल कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से मर्ज कर देते हैं धीरे धीरे। तो ब्लेंड में हम हर चीज़ देखेंगे, कहाँ लाइट आ रही है, कहाँ डार्क हो रहा है, हर एक चीज़ छोटी से छोटी डिटेल्स को हम इसी में करेंगे। फिलहाल मैं भी लाइट सोर्स कर रहा हूँ। हमने ब्लेंड लेयर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम करेंगे अपना फाइनल डिटेल जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा। इसमें हम बैकग्राउंड से लेकर जो भी जैसे चेयर है, बैकग्राउंड में जो डार्कनेस है, उन सब को ध्यान में रखेंगे, उन सभी को बनाएंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में ना देते हुए, बट थोड़ा लाइट वाइट सोर्स जिससे वो उसी का ही एक पार्ट लगे। सो लास्ट स्टेप इसमें हम वही
तो इसमें हम फाइनली लाइट सोर्स, बालों में डार्कनेस, थिकनेस, लाइट, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको आप कंप्लीट करने वाले हैं। और जो थोड़ी बहुत डिटेल्स बची हैं उसको भी कर देते हैं, सो दैट थोड़ा नेचुरल लगेगा। ये मैं बालों में भी लाइट दिखा रहा हूँ ताकि वो बालों में भी जो लाइट सोर्स दिख रहा है वो देखने में सही लगे। तो मोस्टली हमारा कंप्लीट हो गया है पोर्ट्रेट। तो कैसा लगा आपको पोर्ट्रेट मुझे कमेंट करें, अच्छा लगा तो शेयर करें, कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और किस तरह की वीडियोस बनाना है इसके लिए कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं।